लोकसभा में देखेंगे आज की खास खबर। रेत खदान को लेकर राजकुमार पटेल ने की लाखों की ठगी। छतरपुर जिले में जब से उत्तर प्रदेश में बालू खदान पर पाबंदी लगाई गई, तब से छतरपुर जिले की बालू खदानों की चांदी हो गई। नेता से लेकर प्रशासन और व्यापारियों से लेकर आम आदमी हर कोई बालू माफिया बनना चाहता है। इसकी सोच को लेकर कुछ सातवें ठग घूम रहे हैं, जो लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर भोले भाले लोगों से बालू खदान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ताजा मामला छतरपुर जिले के पप्पू राजपूत और उनके साथ दो और लोगों का है, जिनके साथ राजकुमार पटेल नाम के व्यक्ति ने करीब 37 लाख रुपए का चूना लगा दिया, जिसकी शिकायत आज तीनों लोगों ने SP तिलक सिंह से की है। किस प्रकार आपके साथ धोखाधड़ी, कितने पैसे? क्या हुआ कि ये राजकुमार पटेल है जो गौर यहाँ थाना क्षेत्र का ही है, जूड़ीपुर ग्राम का रहने वाला है। इसने थोड़ा आना जाना और संपर्क किया हमसे। इसने अगस्त 2017 में कहा कि चलो भाई, वो हमारे नाम से कुछ खदान है और डंप वगैरह के पट्टे पे हो रहे हैं, इसमें कुछ पैसे लगा लो तो बहुत फ़ायदा होगा। तो हम लोगों ने कहा चलो कुछ दिन चलना है, तो इसके लिए अपनी फोर व्हीलर बोलेरो लेके आया। उसने हम लोगों को बोला कि चलो दिखा दें आज। तो हम पूरा मेरा नाम है और ये मनोज जैन हमारे दोस्त और राम भरत पटेल, तीनों लोग उसके साथ बैठ के और वहाँ गए। तो इसने परई पड़वार और एक आदमी जगह और उसके नाम नहीं मालूम, दिखा के बोला ये सब अपने हैं। तो बहुत जल्दी इसका कार्य शुरू हो जाएगा, इसमें डंप वंप करेंगे तो आप पैसे लगा लो। इन दो लोगों को भी बताया, ये लोग भी तैयार हो गए। तो हम लोगों ने वहाँ से लौटने के बाद बोला कुछ पैसे नगद दे दूँ, तो हम लोगों ने 6 लाख रुपए जैसे तैसे व्यवस्था करके उसको नगद दिए। फिर 3-4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद फिर आया तो बोला कि फिर से कर दो कुछ, 6 लाख और दिए। उसमें हमने हरवल सिंह चंदेल नाम के हमारे दोस्त हैं ग्राम पनौठा के रहने वाले, उनके समक्ष ये पैसे दिए हम लोगों ने इकट्ठे। फिर उसके बाद बोला कि वो और इंतजाम कर लेना, 23,27,000 मैंने अपने अकाउंट से जो सेंट्रल बैंक में है और उसका अकाउंट भी सेंट्रल बैंक में, उसी में ट्रांसफ़र करवाए। उसमें कुल कितने रुपए आप लोग? कुल हो गए 35,27,000। अब कहाँ आए हैं आप लोग? अब हम लोग क्या है कि ये SP साहब के यहाँ आए हैं आवेदन देने। वो क्या कहता है? वो उससे तो क्या हुआ, उसने एक बार चेक दी थी, वो दो बार बाउंस हो चुकी, उसके बाद बोला चलो दूसरी चेक देंगे, वो हमें वापस कर दो। तो वो चेक भी हमने दे दी उसको, और फिर ना उसने कोई चेक दी और ना ही आज तक कोई 1 रुपया लौटाया, और बस टाल मटोल कहता रहता है कि अब हो जाएगा फिर हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो दिलाया जाए। श्रीमान जी से SP साहब से निवेदन किया, उन्होंने कहा है कि आप आना और ये कुछ वाली से निकलवा।